दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीचि का नमस्कार। 13वीं सदी के विख्यात सूफी संत मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अफगानिस्तान के मूल निवासी थे, पर मध्य तुर्की में उनका जीवन व्यतीत हुआ। आज उनकी दो छोटी छोटी लेकिन बहुत सुंदर कविताओं का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इन दोनों की इंग्लिश टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो पहली कविता सिर्फ चार पंक्तियों की है। ऐ अमृत प्यार उसका रोग रहने ही नहीं देता, मिलन उसका गुलाबों सा मगर कांटा नहीं कोई। ऐ अमृत प्यार उसका रोग रहने ही नहीं देता, मिलन उसका गुलाबों सा मगर कांटा नहीं कोई। वो कहते हैं दिलों के बीच होते हैं दरीचे भी, वो कहते हैं दिलों के बीच होते हैं दरीचे भी, कहाँ होंगे दरीचे जब नहीं दीवार ही कोई। कहाँ होंगे दरीचे जब नहीं दीवार ही कोई। दूसरी कविता का शीर्षक है तुम्हारे लिए एक उपहार। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी कोशिशें करता रहा हूं मैं, किसी तरह तुम्हारी खातिर मैं तलाश कर पाऊं कोई उपहार। कुछ भी ठीक नहीं लगता था, सोने की खान में कौन ले जाएगा सोना। समंदर का को पानी उपहार में देने के क्या मानी। कुछ भी ठीक नहीं लगता था, सोने की खान में कौन ले जाएगा सोना। समंदर को पानी उपहार में देने के क्या मानी। हर चीज जो मिली वो ऐसी थी जैसे पूरब में ले जाता हो कोई मसाले। अपना दिल और अपनी आत्मा तुमको दे देना भी है बेकार, क्योंकि दोनों पहले ही से हैं तुम्हारे पास। अपना दिल और अपनी आत्मा तुमको दे देना भी है बेकार, क्योंकि दोनों पहले ही से हैं तुम्हारे पास। इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर ले आया हूँ दर्पण, इसीलिए मैं तुम्हारी खातिर ले आया हूँ दर्पण। खुद को देखो इसमें, मुझको याद करो बस। खुद को देखो इसमें, मुझको याद करो बस। धन्यवाद।